बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ का कलेक्टर परिसर पर जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान महिला की बिगड़ी तबीयत। बीकानेर के कलेक्टर परिसर पर वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। जैसे ही महिला की तबीयत बिगड़ने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली तो पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस को बुलाकर घायल महिला को PVM हॉस्पिटल पहुँचाया है। हम आपको बता दें, बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। पंचायत सहायक भर्ती 2017 से वंचित 6500 बेरोजगार विद्यार्थी मित्र शिक्षक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ ही आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस समय की आप लाइव तस्वीरें बीकानेर के कलेक्टर परिसर से देख रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी मित्र अध्यापिका बेहोश हो गई है। बेहोश महिला को एम्बुलेंस लेने के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन की सहायता से एम्बुलेंस को बुलाया गया है और अब बेहोश महिला को एम्बुलेंस में उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। और इस समय की विद्यार्थी मित्र शिक्षिका जोर जोर से नारेबाजी भी कर रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है।